आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10-11 महीनों के अंदर लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले, लगातार एक के बाद लेन देन होने के मामले इस सरकार के ऊपर उठ रहे हैं। और अभी हाल ही में ये जो दिल्ली के गरीब ऑटो चालक हैं, दिल्ली की जो मेहनत मजदूरी करते हैं ऑटो चालक, उन ऑटो चालकों के परमिट में देने में एक बड़ा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है। दिल्ली में 50,000-45,000 ऑटो चालकों के परमिट इशू होने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15,000 परमिट और इशू होने हैं। यह सरकार की आदत है कि सरकार किस प्रकार से किस किस मुद्दे को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, किस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ऐसी संभावनाएं तलाशनी है। और इन भ्रष्टाचार को करने के लिए सरकार ने पहले तो क्राइसिस क्रिएट करती है। अगर हम बात करें शुगर स्कैम की, क्राइसिस क्रिएट करो, हम बात करें प्याज घोटाले की, क्राइसिस क्रिएट करो, लोगों को होल्डिंग करने को दो और बाद में जब कम हो जाए तो उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा सकता है भ्रष्टाचार करे। सरकार लगातार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इस भ्रष्टाचार का सरगना कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इमीडिएटली इस भ्रष्टाचार के ऊपर, गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, गरीबों के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है, गरीबों की जो महंगी और गाड़ी कमाई है जिसमें तमाम करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, उस पर उनको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। सरकार का एक नोटिस है, पब्लिक नोटिस, इस पब्लिक नोटिस में लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन द फर्स्ट टू वीक्स दैट इज 12 जनवरी 2015 अप टू 27 जनवरी 2015, यानी 27 जनवरी 2015 आज तारीख क्या है, आज 26 तारीख है, और 27 तारीख से पहले भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जिसको आपको स्क्रूटनाइज करना था 27 तक आने के बाद, उससे पहले ही ये लिस्टें रिलीज कैसे हो गई, ये लिस्टें किसने रिलीज कर दी। का कहना यह है ऑटो चालकों का कि जो 17,000 सीरीज वाले लोग हैं उस सीरीज के लोगों को परमिट मिल गया, और इनका यह आरोप है और हमारा यह आरोप है कि इन लोगों से 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत ली गई है, यह आपको बताएंगे। लेकिन जो 15,000 वाले हैं, 15,000 वाले, 13,000 सीरीज वाले, इन लोगों को कोई